हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन म्यूजियम मॉम। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ द रिव्यू ऑफ मामा अर्थ ग्रीन टी टोनर। जी हाँ, ये एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है जो कि अभी अभी ग्रीन टी रेंज जो है वो मामा अर्थ ने लॉन्च किया है एंड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। इसमें आपको फेस वॉश मिल जाता है, ग्रीन टी टोनर मिल जाता है, उसके अलावा आपको सीरम मिल जाता है, सीरम क्रीम मिल जाती है एंड मॉइस्चराइजर भी मिल जाता है। उसके अलावा एक आपको फेस मॉइस्चराइजर एक ट्यूब फॉर्म में मिल जाता है एंड एक आपको टब फॉर्म में मिल जाता है। तो काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मामा अर्थ न्यूली लॉन्च लेकर आता जा रहा है एंड उनकी एक फेशियल किट भी आई है जिसका मैंने रिव्यू आपके साथ शेयर किया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी पैकेजिंग बता दूँ। तो इस तरह के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में ये आता है एंड मैं इसका रिव्यू क्यों शेयर कर रही हूँ, बिकॉज ये थोड़ा डिफरेंट टोनर है। जी हाँ, ये बाकी टोनर्स की तरह नहीं है। इसका जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। सो यस, इसका रिव्यू शेयर करते हैं। लेकिन इन केस अगर आप मेरा फेस पहली बारी देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड नीचे नोटिफिकेशन बेल है उसके भी प्रेस कर लेना, सो दैट जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं इसके टोनर की रिव्यू से। तो इस तरह के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में ये आता है एंड ऊपर इसकी सारी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाती है। द पैकेजिंग इज़ वेरी गुड। मैं आपको इसकी पैकेजिंग ओपन करके दिखाती हूँ। तो इस तरह की ये पैकेजिंग में आता है एंड इसमें आपको एक कैप मिल जाती है इस तरह से एंड आप देख सकते हैं मैंने इसे यूज़ किया है एंड काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है, वो मैं आपको भी बताती हूँ। अब ये फेस टोनर अच्छा क्यों है? बिकॉज अगर आप फेस टोनर्स के आदि नहीं हैं, अगर आपको फेस टोनर्स सूट नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा कईयों को इरिटेशन होने लग जाती है, तो ये फेस टोनर आपके लिए, बिकॉज ये आपके फेस को इरिटेट नहीं करते। जी हाँ, अगर मैं अपनी बात करूँ, कोई कोई टोनर्स ऐसे होते हैं, अगर हम फेस वॉश करते हैं उसके बाद टोनर अप्लाई करते हैं तो थोड़ी हल्की हल्की सी आपको जलन सी होने लगती है या कभी आईज में अगर गलती से डल जाए तो बहुत ज़्यादा जलन होती है। बट दिस टोनर इज़ डिफरेंट। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि इसको आईज में स्प्रे कर लोगे, बिकॉज आईज में ये भी थोड़ी सी जलन करता है, बट उस लेवल की नहीं जैसे बाकी टोनर्स करते हैं कि आपकी आईज ओपन ही नहीं हो पाती है, ऐसा नहीं है। अगर आप इसे यूज़ करते हो बाई चांस थोड़ा सा आईज में चला भी जाता है जो कि जनरली हो जाता है, तो इतनी ज़्यादा इरिटेशन ये नहीं करता है। नाउ इसके अंदर क्या बात है जो कि इसको खास बनाती है, वो है इसके अंदर कोलेजन। जी हाँ, इसके अंदर आपको कॉलेजन मिल जाता है, ग्रीन टी मिल जाती है, जो कि अगर आपके पिंपल्स वगैरह, जैसे कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे अभी कुछ दिनों में, तो बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे एंड अभी भी कुछ कुछ पिंपल्स यहाँ पर है जो कि आपको अभी शायद नहीं नज़र आ रहे होंगे, लेकिन आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा अभी भी पिंपल्स है। तो ये उस पर वर्क करता है, काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, एक आपको कूलिंग सेंसेशन देता है, तो इसलिए मुझे ये टोनर काफ़ी अच्छा लगा। उसके अलावा इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स आपको इसमें मिल जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दूंगी तो आप चेकआउट कर लेना। इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये 399 रुपीज़ का मिल जाता है, लेकिन अभी अमेजोन पे जैसे कि सेल वगैरह चल रही है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। शेल्फ लाइफ आपको आराम से मिल जाती है 2 साल की, और 2 साल तक तो ये प्रोडक्ट रहने भी नहीं वाला। तो इस तरह की इसकी कैप है एंड आपको एक और चीज़ इसमें मिल जाती है, इसमें आपको ऑन एंड ऑफ का बटन मिल जाता है। तो आप अगर इसे ओपन करना चाहते हैं तो आप इसे ओपन कर सकते हैं एंड अगर आप इसे क्लोज करना चाहते हैं तो ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। अब मैंने इसे क्लोज कर दिया एंड अगर मैं स्प्रे करूंगी तो ये स्प्रे नहीं होगा एंड ओपन करने के बाद ये स्प्रे हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप इस तरह से रख सकते हैं। तो ये अगर बाई चांस कोई बच्चा आपके घर में है और आप उसे, कई बार बच्चे कर देते हैं ऐसे ओपन करके स्प्रे करने लग जाते हैं, तो आप इसे लॉक कर सकते हैं, बिकॉज मेरा बेबी ऐसा है तो मैं रिलेट कर सकती हूँ, ऐसा होता है। तो आप इसे बंद करके रख सकते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा रिव्यू इसका नहीं था, मेन मुझे यही बताना था कि ये बाकी टोनर से काफ़ी डिफरेंट है। अगर आप उनमें से जिनको टोनर सूट नहीं करते तो आप एक बार इसको ट्राई करके देखना, जहाँ तक मुझे लगता है आपको ये सूट करेगा। तो यस, काफ़ी अच्छा टोनर है, इसे आप मेकअप के बाद भी यूज़ कर सकते हो। ऑफ किया हुआ तो ऑन करके एंड इसे हम स्प्रे कर लेंगे एंड ये बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता है, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता है ये। एंड अभी मैंने कोई मेकअप नहीं अप्लाई किया हुआ था, बस आईलाइनर और लिपस्टिक यूज़ किया। तो यस, आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपने इसे यूज़ किया एंड आपको इसका कैसा रिजल्ट मिला। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।